गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल सुडो के व्लॉग्स में। और गाइस गाइस हम जा रहे हैं वृंदावन, ठीक है। हमने बता दिया, इससे पहले वाले व्लॉग में जब मैंने ऐड किया था मैंने बोला था ना हम सब कहीं जा रहे हैं घूमने। आयुष नहीं आया, बाकी सब आए। पापा रोटी गए, पापा नहीं आए, कैसा लग रहा है? कुकु बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। और पहली बार जा रही है, तो पहली बार जा रही है हम लोग, पहली बार जा रही है दोनों के दोनों। पता है बहुत देर हो गई हमें बैठे हुए, कुकू तो भाई चुप्पी नहीं हो रही, हमें लगा सो जाएगी, लेकिन जब से मस्ती करती आ रही है बहुत ज्यादा, तब से पे गेम चल गया। पता इतनी सारी चीज लेकर आई थी खाने के लिए, सारी खा ली इसने सारी। गाइस बहुत टाइम बाद हमें कुछ ऐसे ना घर वालों के साथ ऐसे घूमने निकले, क्योंकि हम जा नहीं पाते, सिटू भी चले जाते हैं ना फिर जल्दी मुझे छोड़ के, तब की बार जा रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब इसलिए मस्ती कर रही है कुकू बहुत ही ज्यादा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मुझे भी नींद आने लगी, सॉन्ग चला रखे थे बहुत तेज आवाज में, दोनों के दोनों नमकीन फ्रूटी चीज वगैरह सब खा रहे थे इतनी देर से। कुकू तो भाई पूछे बाद लग रहा है वहाँ जाके, हम सोच रहे सो जाएगी, वहाँ जाके जगा लेंगे, हम सो ही नहीं जाएंगे। डांस करती करती आई तब से ही वहीं से ही है ना कुकी। ऐसे अभी डांस कर रही इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चले, गाना चला दो इसके लिए, चलो सुना रहे कुकू मैम कुछ बोल रहा है। इतनी स्पीड में चल रही है इसका, गाना चलाओ भाई, कौन सा गाना चलाए बताओ, ठंडी ठंडी हवा चले, सुटो चला दो इसका गाना, क्या तो बोलो कुछ राधा रानी। अब हम आगे मिलते, वृंदावन गए थे फिर आगे आ गए मथुरा, क्योंकि वहाँ के मंदिर 4 बजे के बाद खुलेंगे, और फिर हम यहाँ गए कुकू देखो। अब मुझे पता था जैसे ही हम पहुंचेंगे इतने ये सोएगी, देख लो। हम वहाँ से इसके साथ शोर मचाते मचाते आ रहे थे, जयकारे लगाते लगाते, और देखो मुझे पता था जैसे पहुंचने को होंगे इतने सो जाएगी। तो हम अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है, अभी हम मथुरा पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ विश्राम घाट जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे पहले, फिर घूमेंगे देखेंगे सब, क्योंकि सारे मंदिरों का टाइम 4 बजे है, मतलब 4 बजे के आसपास ही खुलेंगे सारे के सारे। तो चलो भाई चलते हैं गाइस। तो अभी हम बोट में आ चुके हैं, और बोट से भाई 4 जगह हम घूमेंगे, और बोट देख लो काफी बड़ी है, अरे गरम हो रही है, सीख रहे हैं बहुत, मतलब 4 घंटे इससे, तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी लगा दिया पार्क की, सो गई थी जगा लिया। चलो 100 रुपए गाड़ी की पार्किंग में बचा गई, दिखाता हूं यहां पे खाना, ऐसे वाले बोट में बैठी हूं, चलो एक दो रील बना ले, बस तो गरम गरम गाना जी यही चाहते हैं, तो यही से कि हम ऐसे। तो अभी ये बोट इतनी आवाज कर रही है, हमारी आवाज नहीं आ रही हो गई थे। और पता है यहाँ पे ना कंस का किला है, कंस का किला, ये रहा कंस का किला, हाँ ये रहा कंस का किला, कंस मामा का, सबके मामा कंस मामा, ये रहे। अभी हम चल रहे हैं उस वाले मंदिर में, मम्मी देखो मम्मी मान नहीं रही, बहुत पानी फेंक रही है, देखो बहुत पे भी मम्मी पानी आ रहा है, और कुकुर हो रही है, कुकुर हो रही है, ला दो, सच में इतना मजा आ रहा है ना भाई, सच में
ऐसा लग रहा है लाइफ सेट है बिल्कुल यहाँ आके तो, मतलब ऐसे ना भूखो पता है क्या, अभी तो इतनी खुश हो रही थी जैसे मम्मी ने पानी फेंका ना इतने रोने लगी। अभी सॉन्ग चल रहे हैं देखो वाली बोट में, मम्मी ने वाली बोट में सॉन्ग चल रहे हैं, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे मूवी चल रही है भाई साहब। हम वाले ऐसे वाले मन में रखा हुआ थोड़ा सा। चलो भाई अभी हम बोट में से उतर रहे हैं, बच्चे आगे नहीं जा रहा है, पानी घट गया तो जब कह रहे जाएंगे कैसे यहाँ तक गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, गिले जाएंगे, फटा फटा होगा ना, कोई फटा दे दो फटा से। हाँ पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल। अरे पानी नहीं बच्चा है साथ में, पानी दिख रहा है ऐसे ज्यादा नहीं है, ठीक है कोई नहीं। तो गाइस ये दुर्वासा ऋषि का मंदिर है, यमुना मंदिर, ठीक है। इसमें आ रहे हैं हम घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, ये तो ऐसे घूमने का ही तो है, सब घूम रहे हैं। वो तो भी ऐसे लगे कि गांव में लग छोड़ दिया। कोको कैसा लग रहा है, सेटू देख भी लो इधर, एकदम आए ना एकदम रेत गरम गरम। देखो क्या लिख रहा है, भाई बहन श्री यमुना जी मिलन, मतलब भाई बहन का मिलन मंदिर लिखा है इस पे। तो गई भाई काव के पास, तो यहाँ पे ये मंदिर है। बोल गौ माता की जय। गाँव का वो निकला है, गाँव का मम्मी गाँव गाँव का श्री राधे रानी की जय। जय जय करो ऐसी तो वन वहाँ पे भी है, वो है सबसे छोटी। चलो भाई कौसेवा है यहाँ पे, यही होंगे दुर्वासा ऋषि ये ना गाइस। ये हां अंकल जी गाइस अपने फ्रूटियां कुरकुरे से मजा ले, हम डिस्पैच कटवा 3:30 बजे बैठे ना हम, 3:00 बजे बैठे हम। हां पेन पे क्या लेना होगा, आया वो वहां से क्या घुमा लेगा, नहीं जेमर जल्दी करो ना, वो 2 का गिलास 70 और 45 की है, 70 और 20 और 40 60 65 63 रुपये हो गए 63 60 और 3। ये कौन सा वाला मंदिर बताया था, द्वारकाधीश मंदिर। कुकु कहाँ है, कुकु मेरी ना कुकु पकड़ लो हाथ, आप किसका पूरा वीडियो छोटी सब हम डांस करें, सब देखने लग गए हैं ना, बहुत सारे भीड़ मंदिर में आ रहे हैं। हाँ तो अभी हम यहाँ अंदर बैठ गए खाने के लिए, हमने टिक्की और समोसे बनवा लिए। मेरे सोना तो इतना डांस किया, कुकु है जाओ खा लो, ठंडा है वो। गाइस तो हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर, भाई चप्पल उतार के इतने गर्म हो रखे हैं, ज्यादा पैर चल रहे हैं। हम आ चुके हैं अंदर प्रेम मंदिर के, यानी पैर चलेंगे, तो हमने चप्पल उतार के ना बहुत पैर चल गए थे पता है, और अभी ये भी छा हुआ है ना तो यहाँ पे ये ठीक है, और अभी हम आ चुके हैं यहाँ फ्रेंड से। चलो चलो जी चलो 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 चलो, कुकु तो जाएगी, आशीष मामू ने चप्पल तो पहन रखी है, ये चुप रहा है ना सेटू, तो क्या हो गया
ना चलो पानी भी चलाते हैं हाँ ताकि ठंडा ठंडा रहे ना। छोटे देखो कितना सुंदर कर रखा है झूला वगैरह का। छोटू तब ये नहीं था ना हंस वगैरह तो हम आए थे ये नहीं थे ये न्यू है वो ये सब था भैया वो नहीं था हंस वंस चमक गया हाँ? नहीं चमका भी नहीं चमका गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना जगह तो पूरी वाटरफॉल जो सा हो रहा है हाँ रात को तो ज्यादा एकदम हाँ अभी बहुत ज्यादा गर्म है सिर्फ हमने जब हम पहले आए थे हमने यहाँ पे रील बनाई थी ना यहाँ पे नहीं बनाई थी पीछे साइड उस दूसरी साइड हाँ हाँ जो वो सामने है कितना प्यारा व्यू है यहाँ का यहाँ पे मतलब जिस तरफ आप देखोगे ना उस तरफ ही बहुत अच्छा अच्छा व्यू है आपको बहुत मस्त आ रहे हो तुम पे सब मस्त आ रहे हैं पता है कुकू और उसके मामा वहाँ चले गए भाई कैंटीन में प्यारी मम्मी हम लोग नंगे पैर है ना इसलिए हमें थोड़ी सी वो हो रही है गरम गरम चुभ रहा है बहुत मजे आ रहे हैं वो तो फुल मजे ले रही है आ जाता हम यहाँ फोटो करा लेते तो गाइस चलो आप लोग भी घूम लो हमारे साथ और अभी वहाँ भी जाएंगे वहाँ लाइन वाइन लगना स्टार्ट हो गया है छाया होने लगी ना उधर इसीलिए तो गाइस हम यहाँ आ चुके हैं अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि कभी कोई कैमरा बंद करा दे माने कर रहे हैं हम आने चलो 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 भाई गाइस अब सब गोलगप्पे खा रहे हैं तो गाइस हम प्रेम मंदिर से आ चुके हैं पैदल 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 आ चुके हैं पैरों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही है दिखाई करो ना हमने इतना सारा पानी पिया इतना सारा पानी पिया है ना बिल्कुल टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन और कुकू के तो इतने मजे आ रहे हैं बस बस पूछे मैं सिटू अभी आ रहे हैं और अब हम देखेंगे अब कहाँ जाएंगे या तो हम जाएंगे बाके बिहारी जी के मंदिर या फिर शेरावाली माँ के मंदिर जो वहाँ गुफा वाला मंदिर है ना देवी का मंदिर वैष्णो देवी का मंदिर उस पे चला वहाँ जाएंगे या तो देखते हैं कहाँ जाते हैं पहले सिटू आ रहे हैं अभी गाइस देखो तो शुगर है देखो तो शुक्र और देखो हमारे पैरों की हालत तो बहुत खराब हो चुकी पैदल चल जाएगा गर्म थे इसलिए कुकू देर तो मजे आ गए भाई कुकू कैसा लगा आपको अच्छा क्या बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो इसी बात पे बोलो राधे राधे बोलो जल्दी राधे राधे अरे बस 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 तेरा स्पीकर खुला रहेगा और गाइस अभी पता साढ़े छह ऊपर हो गए साढ़े छह से रात हो जाएगी हमें जाते जाते तब से ही मस्ती कर रही है सोता ना के लेटर मैं तो पहले यहां तक गए होंगे फिर घूम के पहुंच जाएंगे हां वो शुगर भी जो होते हैं मम्मी मेरी अरे नानी का गले अभी से अब मुझे परेशान नहीं होगा मैं क्यों भाई आगे बैठ के चलोगे क्या हां तो क्यों आगे बैठ परेशान नहीं होते अच्छा यहाँ परेशान हो रहे थे इतनी छोटी सीट में इतनी छोटी सीट है पीछे सही है बढ़िया कुकू सही है सही है क्या अरे भाई जाओ आपके नमकीन बिस्किट लगे हैं इसमें खाए क्यों नहीं अच्छा खाने को अच्छा नमकीन खाने गाइस अब हम चलते चलते आ गए हैं यहाँ पर प्रियाकांत जू मंदिर गाइस देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना हेलो भाई अब तो भगवान जी मेहरबान है अब तो खुला है सब बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय ले लो इतना टाइम मत लगाओ भाई जल्दी ले लो अब हम चल रहे हैं ले आए पानी ठंडा हाँ सही है बढ़िया है चलो डायरेक्ट चलेंगे भाई घर कहीं नहीं है रुकना कहीं नहीं है सॉन्ग चलाओ चलो कुकू आ जाओ बेटा पीछे दिखा कुकू अपना टीका दिखाना टीका हट गया थोड़ा थोड़ा लग रहा है हाँ हट गया डाल दिया है
गाइस देखा भी आपने, मतलब ये दोनों ना हमेशा लड़ने का बहाना ढूंढते हैं। इन्होंने उसको जला दिया उसके पैर पे गरम गरम वो रख नंदो करा दी है क्यों ना जब भूख का जाएगी तो मर गए। अगर ज्यादा करते तब मरिए गाइस। ये ना सुबह सुबह नहीं गए, अब 11 बजे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना शर्त लगाई थी आयुष से कि आयुष तू छोले कुलचे लेके आएगा तो भाई मैं रुक जाता हूँ। बताओ इतना नुकसान करा इतने पैसों को बस छोले कुलचे के लिए है? कितने प्लेट लेके आया? चार तीन मेरी एक तुम्हारी। ठीक है चलो तुम ही खा लो पेट भर के, हम तो बाद में खा लेंगे। प्लेट व्लेट कुछ नहीं मंगाई? अब मैं लिख इसमें क्यों आँख मारे वैसे ही तो तेल की बोतल आ गई है। कोई बात नहीं कुछ है। कुछ ना करो ये तो आ ही जाएगा। हाय गाइस तो मैं आपसे दो तीन दिन बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। शूटिंग तो चले गए थे भाई उसी दिन जिस दिन मैंने, मतलब इससे पहले जब आपको मैंने दिखाया था। और कुकू की तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक क्या वो यार खाना नहीं खाती है बिल्कुल भी ना, यहाँ पे आके खेल में इतना बिजी हो जाती है ना, बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। जूस फ्रूटी बाहर की चीज़ इतनी ज़्यादा ला रखी है कि पापा ने तो ये बोल रखा बाहर का खाए तो कम से कम बाहर का ही तो खा ले। आप लोग बोलते हो ना उसे बाहर का मत खिलाया करो, अब तो उसकी मतलब ऐसा हो रहा है ना कि कम से कम बाहर का तो खा ले, एटलीस्ट जूस फ्रूटी ये तो पी ले। एक दिन फ्रूटी पी थी वो भी नहीं, फिर वो छोड़ दी। ORS वगैरह कुछ भी नहीं पी रही है, तो आज थोड़ा उसकी हेल्थ ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी आप, या तो अभी दिखा दूंगी या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो वो रेस्ट कर रही है, टीवी देख रही है, तो मैं उसको बाद में दिखाऊंगी। कूलर वगैरह में लेटी है, तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो गया है ब्लॉग। तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर कुकू की तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी तो फिर मैं चली जाऊंगी, और क्या करूँ यार, क्योंकि जब यहाँ पे खा ही नहीं रही तो फिर जाना ही पड़ेगा ना यार। मेरा मन तो बहुत करता है घर रहने का, लेकिन क्या करूँ जब बच्चे की वजह से फिर जाना पड़ेगा। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं खा रही है वो, दो तीन दिन हो गए उसको वॉमिट भी हुई थी रात को, परसों भी हुई थी। तो फिर ये सब देख के ना मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, फिर सब लोग यार चिंता करने लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं देखूंगी अगर उसकी तबीयत ठीक लगती है तो फिर मैं आगे आज देखूंगी व्लॉग बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया एक भी, और ना मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह शूट कर रही, कुछ भी नहीं कर रही मैं मतलब। तो अगर आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, अगर ठीक रहेगी तो फिर मैं यहीं रहूंगी और आपको व्लॉग दूंगी। ओके आपको इससे नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा घर का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके।